इस्तकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से जुल्फकार मीर का सलाम कबूल कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोकर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ख्वाजा वकास सहीद, हाफिज अजान भट्ट और बिलाल हुसैन। चलते हैं आज के मौजू की तरफ, और आज का मौजू मौसम के साथ जुड़ा है। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त भी वो बारिशों का एक सीज़न है, लेकिन साथ साथ जो फॉग है, हम स्मोग है, उसने बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। और इस सिलसिले में जो खासतौर पर मोटर वे है, वहाँ पर जिस तरह गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, इंटरचेंज बंद कर दिए जाते हैं, अब ये सारी सूरत हाल है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, हादसा से हम कैसे बच सकते हैं, और घर से निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, यही आज का मौजू है। मौजू की मुनासिबत से हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज मोटर वे एजुकेशन विंग सैयद इमरान अब्बास, इसके अलावा अंबर अजूज और सबात अजीज भी प्रोग्राम में शरीक होंगे। लोगों का शिकवा ये है कि अचानक मोटर वे बंद कर दी जाती है, उनको इतला नहीं होती, तो क्या ये किसकी गलती है, वो क्या रहा है, इस बारे में जरूर कहिएगा। जी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम मौजू न सिर्फ मोटरवेज के हवाले से बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल हाईवेज हैं उनके हवाले से अपडेट किया जा रहा होता है, वेदर के हवाले से अपडेट किया जा रहा होता है, सड़क की कंडीशन के हवाले से अपडेट किया जा रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर रश है, कहाँ कहाँ पे जो वेदर है वो मौजूद नहीं है, फॉग है। तो आपके चैनल के तवसत से मैं पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सफ़र ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आप गूगल पे NHMP जो हमारी वेबसाइट है NHMP.gov.pk ट्रैवल एडवाइजरी पे आप जाके हल्का से क्लिक करेंगे तो सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा 130 हमारी हेल्पलाइन है, मोटर बेस की टॉल फ्री हेल्पलाइन है हमारी, आप उस पर भी 24 जो है वो हमसे रहा करके पूछ सकते हैं। तो खुदारा लंबा सफ़र शुरू करने से पहले एक दफ़ा जहाँ आप जा रहे हैं, मोटरवेज को आप यूज़ कर रहे हो या आप हाईवेज को यूज़ कर रहे हो, तो एक दफ़ा आप इस ऐप से हमारी वेबसाइट से हमारे जो हेल्पलाइन है 130 इससे एक दफ़ा आप चेक कर लीजिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं क्या वहाँ पर रोड खुली है नहीं है, बजाय इसके कि आप टोल प्लाजा पे आ जाएं और आपको पता चले कि आगे जो रोड है वो बंद है। हादसात भी हर साल होते हैं, तो क्या समझते हैं कि मोटर में पुलिस की तरफ से या वैसे दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से जो इस मौके पर इंतजाम किए जाते हैं वो काफ़ी मतबादल रस्ते भी मौजूद हैं, तो मतलब अगर मोटर वे बांधते हैं तो मतबादल जाए, उसके लिए कम अज़ कम ऐसे इकदाम किए जाएँ कि भाई अगर उधर जिधर भी कोई थोड़ा भी इम्कान हो तो उधर इंटरचेंज पर जिस तरह आप बता रहे हैं लाइनें लग रही हैं उधर ही रोका जाए, जाए के बंदा जब ऐसे उसमें अंदर दाखिल हो जाए, वक्त का ज्यादा रहता है और वाइब्रेशन जो होती है, ये मरीज में क्या हुआ है जी, ये मिसमैनेजमेंट हुई है। हालांकि बर्फ हर साल पड़ती है, गाड़ियाँ भी हर साल, गर्मियों में भी लाखों हर साल, ये रूटीन है, ये कोई नया मामला नहीं हुआ, मगर आपने देखा कि मिसमैनेजमेंट, ये एक मतलब है कि धुंध और फॉग में भी ये ठीक है, वो चेन जिस तरह आपका टकराने वाला उसे, तो वो ऐसे कोई मतबादल इकदाम किए जाए कि उसके पहले ही उनको वार्निंग दे के चढ़ने ही ना दिया जाए मोटर वे पे। मैं एजुकेशन मीडिया वाले से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अब सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, खवातीन भी बड़ी तादाद में इसको इस्तेमाल करती हैं, तो ये जो मालूम है इंटरचेंज बंद होने की, धुंध वगैरह की, तो ये सोशल मीडिया पर भी आप इसकी मालूम को शेयर करती हैं? फेसबुक आई डी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, उस पर हर 10 मिनट बाद अपडेट होती है कहाँ पे बंद है, कहाँ से खुला हुआ है, और ज़्यादातर ड्राइवर जो ऐसे होते हैं जिनको जैसे जो लाहौर को जा रहे हैं तो मालूम लोग ले लेते हैं, मतलब या तो GT रोड से चले जाते हैं या लेट चले जाते हैं, ज़्यादातर जो इशू आता है वो LTV छोटी गाड़ियों का आता है, तो इसलिए हमको चाहिए कि जैसे सर ने बताया 130 पे कॉल कर लें आप, मतलब डायल करके वो आपको बता देंगे। ये जो ओवर स्पीड के मामला आता है, क्योंकि मोटरवे पर तो गाड़ी अगर जिस बंदे वो चला रहा है उसको तो यही समझ रहा है कि जितनी मर्जी दौड़ाई जाए, तो ओवर स्पीड के मामला को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ओवर स्पीड होंगे, 120 वैसे तो स्पीड लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर वो जाते हैं तो फिर रास्ते में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, देर से पहुँचना जल्दी पहुँचने से बेहतर है, सबसे बेस्ट ये हमारा स्लोगन है, और ये जगह जगह हमने लगाए हुए हैं, और ओवर स्पीडिंग जो है वो अपनों की अपनी ज़िंदगी और दूसरे साथ जो मुसाफिर बैठे हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह है। मोटरवे पर जो इस वक्त सूरत हाल है उनके हवाले से इस पर गुफ्तगू की, डर की ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, लेकिन आप एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल दरामद करें तो फिर मामला को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।